Exercise 12.1 question 1 draw as many lines of symmetry as possible for the following figure. So ये figure में हमें symmetrical line draw करना है. अगर हम चाहे तो अगर इस तरफ हम एक अगर mirror रखे तो इसका जो figure है same figure निकल के आएगा, लेकिन अगर हम इस तरह रखेंगे तो इसका same figure नहीं निकल के आएगा, इस तरह भी रखेंगे तो सेम फिगर नहीं निकल के आएगा. तो जस्ट हम ऐसे अगर रखेंगे तभी इसका क्या होगा, एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो पाएगा और इसमें से हमें पूरा जो डायग्राम मिलेगा. तो हम इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे. बी क्वेश्चन बी में अगर हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें तो पूरा शेप मिलेगा, लेकिन अगर हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें तो शेप नहीं मिलेगा. इस तरह अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो पूरा फुल शेप नहीं मिलेगा. अगर हम चाहें तो इस तरह भी अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहे तब भी हमें फुल शेप नहीं मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, एक लाइन अगर हम इधर खींचेंगे, एक लाइन इधर मिलेगा जो सिमेट्रिकल होगा, उसी लाइन से क्या मिलेगा, पूरा जो डायग्राम है डायग्राम फुल्ली मिलेगा. तो यहीं से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड ड्रॉ देम. तो ये जो फिगर दिया है, फिगर में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी लाइन हो सके उतना लाइन हम ड्रॉ करेंगे. तो क्वेश्चन टू ए का सॉल्यूशन ये होगा. तो इसमें अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका फिगर सेम फिगर नहीं मिलेगा. अगर हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम फिगर मिलेगा. तो मतलब इस तरह एक लाइन होगा और इस तरह अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक सेम डायग्राम मिलेगा. तो हम इस तरह एक लाइन और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, इस तरह भी हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते. तो इस फिगर में ये दो सिमेट्रिकल लाइन बनेगा. अगर इस फिगर में हम इस तरह एक लाइन खींचेंगे तो ये कंप्लीट फिगर हमें मिलेगा. अगर हम इस तरह एक लाइन खींचेंगे तब भी हमें एक कंप्लीट फिगर मिलेगा. ये हो गया उसका कंप्लीट फिगर. और इस तरह अगर हम एक लाइन खींचेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट फिगर मिलेगा. और इस तरह हम एक लाइन खींच सकते हैं. तो इस तरह खींचने से भी हमें एक कंप्लीट फिगर मिलेगा. तो हमें लाइन ऐसे खींचना है कि हमें कंप्लीट फिगर मिलना चाहिए. ये हम ऐसे भी ले सकते हैं कि टोटल सिमेट्रिकल लाइंस इक्वल टू 4. तो इसमें 4 लाइन मिलेगा. इस तरह एक लाइन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये छोटा लाइन हो गया. तो ऐसे हम टोटल सिमेट्रिकल लाइन 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ऐसे हम नीचे में टोटल सिमेट्रिकल लाइन इक्वल टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन 2 सी में ये एक ट्रायंगल शेप दिया है, तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन कैसे बनेगा तो इसको फाइंड करना है. अगर हम इधर एक मिरर रखेंगे तो इधर हमें कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट अगर हम इस तरह एक मिरर रखेंगे तो इधर भी हमें कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट अगर हम चाहें तो इस तरह एक मिरर रखें तो हमें कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 3 सिमेट्रिकल लाइन हमें मिलेगा. एक लाइन इस तरह बनेगा, एक लाइन और इस तरह बनेंगे एक लाइन. टोटल हमें 3 सिमेट्रिकल लाइन मिलेगा. 3 ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर. सो ये जो फिगर दिया है, फिगर में हमें सिमेट्री लाइन जो मिलेगा उसको हमें ड्रॉ करना है. हम इधर एक लाइन, इधर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें कंप्लीट फिगर मिलेगा. तो इसमें एक लाइन बनेगा, मतलब इधर एक लाइन बनेगा. तो नेक्स्ट अगर हम चाहें तो इस तरह अगर हम रखें, इस तरह अगर हम मिरर रखें तो इस तरह भी हमें एक सिमेट्रिकल लाइन मिलेगा, मतलब कंप्लीट जो फिगर है फिगर देखने को मिलेगा. लेकिन इस तरह जब रखेंगे तो कंप्लीट फिगर हमें देखने को नहीं मिलेगा. तो इस तरफ नहीं होगा और इस तरह भी नहीं होगा. तो सिमेट्रिकल लाइन, इसमें 2 सिमेट्रिकल लाइन मिलेगा, वो होगा. क्वेश्चन बी, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम चाहें तो एक डायगोनली एक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हम डायगोनली लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे कंप्लीट फिगर हमें मिलेगा. नेक्स्ट इस तरह भी हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें कंप्लीट फिगर मिलेगा देखने को. अगर हम ऐसे वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें कंप्लीट फिगर मिलेगा देखने को. नेक्स्ट अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहें तब भी हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा. क्वेश्चन 2C फिगर में अगर हम देखें तो इस तरह हम एक लाइन खींचेंगे तो कंप्लीट फिगर मिलेगा. इन द सेम वे हम इस तरह भी एक लाइन खींच सकते हैं तब भी हमें
कंप्लीट फिगर मिलेगा देखने को। और हम चाहें तो इस तरह अगर हम एक लाइन खींचेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमें तीन लाइन टोटल मिलेगा, सिमेट्रिकल लाइन थ्री लाइंस हमें मिलेगा। क्वेश्चन थ्री डी में अगर हम चाहें तो इस तरह अगर हम एक लाइन खींचेंगे तब भी हमें कंप्लीट सर्कल मिलेगा, मतलब कंप्लीट ये जो डायग्राम है डायग्राम मिलेगा। इस तरह हम अगर एक लाइन खींचना चाहें तब भी हमें फुल फिगर मिलेगा, और इस तरह हम एक लाइन खींचना चाहें तब भी हमें क्या मिलेगा, फुल फिगर मिलेगा। तो हम इसी तरह तीन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नीचे टोटल सिमेट्रिकल लाइन इक्वल टू थ्री, ये हो गया एक, ये दूसरा और ये तीसरा। क्वेश्चन फोर, इन द फॉलोइंग फिगर्स द लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर गिवेन, लोकेट द पोजिशन ऑफ द अदर होल्स इन रेफरेंस टू द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ड्रॉ देम। तो ये जो फिगर्स दिया है इसमें ये एक होल दिया है, ये फिगर अगर हम इस तरह अगर एक मिरर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो उसको उसी जगह पर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन ए में ये इधर होल है, अगर हम इस तरह इधर ये सिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन मतलब इधर अगर हम एक मिरर रखेंगे तो होल किधर बनेगा, सेम पोजिशन में अंदर की साइड बनेगा। सेम पोजिशन में अंदर की साइड मतलब इसका जो नेक्स्ट होल बनेगा तो इधर बनेगा, ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन बी का। इन द सेम वे बी का अगर हम चाहें तो इधर है तो नेक्स्ट इधर बनेगा, बी का मिरर हम रखेंगे तो इस तरह उधर बनेगा। क्वेश्चन फोर सी, ये जो होल है ये इधर बनेगा एंड ये जो होल है ये इधर बनेगा, तो नेक्स्ट ये दोनों हो गया। क्वेश्चन सी फोर सी का, ये कहाँ बनेगा, ये इधर है, नेक्स्ट ये इधर बनेगा, लाइन के पास है तो इसीलिए नेक्स्ट जो होल होगा ये लाइन की पास ही बनेगा। तो ऐसे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, अगर हम इधर एक मिरर रखेंगे तो सेम ही फिगर हमें देखने को मिलेगा, तो इसी तरह होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन फाइव, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम सो दैट इट विल बिकम सिमेट्रिकल अबाउट द लाइंस ड्रॉन। तो ये जो फिगर दिया है एग्जैक्ट ऐसे ही फिगर इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ही फिगर इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम वे हम इस तरफ और इस तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक है तो नेक्स्ट इसको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, नेक्स्ट ये लाइन इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, नेक्स्ट इसको हम ऐसे ड्रॉ करके यहाँ लगाना पड़ेगा, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जिस तरह ये है वही हम ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा इसका फिगर। नेक्स्ट ये जो ये फिगर है इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा इसका आंसर, इसकी जैसा एक्यूरेट ड्रॉ करने से अच्छा होगा। सिक्स, सेट सम मोर स्क्वायर्स इन द गिवन ग्रिड सो दैट द रिजल्टिंग फिगर विल बिकेम सिमेट्रिकल अबाउट ए डायगोनल। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन ए, अगर हम इस तरह एक मिरर रखेंगे तो उसको देखने में कैसा आएगा, तो इस तरह अगर हमें इस तरफ अगर हम एक मिरर रखेंगे तो उसका फिगर देखने में ऐसा आएगा। तो मतलब इसकी पास में जो भी है यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कलर से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम इस तरह एक मिरर रखेंगे इस तरफ तो देखने में कैसा आएगा, इसके पास में जो भी स्क्वायर है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, काला से फिल करना पड़ेगा, तो इस कलर फिल करना पड़ेगा, तो इस तरफ भी हमें कलर फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन सिक्स बी को हम इधर मिरर जब रखेंगे, इस तरफ जब हम मिरर रखेंगे तो उसका फिगर देखने में ऐसा आएगा। तो ऐसा फिगर को हमें ड्रॉ करना है, मतलब इसकी जो पास में है ये जो पॉइंट है इसके थोड़ा नीचे होगा, मतलब ये जो स्पेस है ये थोड़ा हमें रखकर यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, नेक्स्ट इसके साथ ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया 6B का सॉल्यूशन, अगर हम इस तरफ भी मिरर रखेंगे तो हमें कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा, इस तरफ हम रखेंगे तो कंप्लीट फिगर देखने को मिलेगा, अगर हम चाहे तो इस तरफ अगर हम मिरर रखें तो भी तब भी हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट फिगर ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेवन, राइट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगा, ऐसा अल्फाबेट लिखना है, तो ऐसा अल्फाबेट कौन कौन सा है, F होगा, Z होगा एंड J होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो R भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो L भी लिख सकते हैं, P एंड Q, इसमें भी हमें सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगा। तो
बुक की अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको मैंने इधर लिखा एफ जी एन जे, लेकिन सिमेट्रिकल लाइन इसी लेटर में अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहे तो इसमें भी नहीं मिलेगा। 8 ड्रॉ ए मोटिफ एंड क्रिएट ए डिज़ाइन यूजिंग ट्रांसलेशन सिमेट्री, हो गया इसका सॉल्यूशन। मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया, सेम डिज़ाइन इसमें भी, इसमें 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 हमने सेम डिज़ाइन ड्रॉ किया, और ये जो डिज़ाइन है ये इस डिज़ाइन और ये डिज़ाइन के बीच में डिस्टेंस इतना है, इन दोनों में भी बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। सो बीच का जो डिस्टेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो इसका जो डिज़ाइन जो भी है डिज़ाइन सेम होना चाहिए, इसका जो साइज़ भी सेम होना चाहिए, अगर ये थोड़ा इससे कम हो गया तो नहीं होगा। तो ऐसे अगर हम किसी डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री। लेकिन इस ट्रांसलेशन सिमेट्री में ये जो एक पार्ट है, मतलब इस ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है, इसको हम मोफिट कहेंगे, मोफिट, और इसको हम क्या कहेंगे, एक डिज़ाइन बोल सकते हैं, और इसको हम मोफिट भी बोल सकते हैं। इस मोफिट को हम रिपीटेड ड्रॉ कर करके जो भी पैटर्न बनाएंगे उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो 8 का जो सॉल्यूशन है, 8 का जो आंसर आएगा, 8 का आंसर ये होगा।